हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक के बारे में। आज जो हम इंडियन डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स एंड कैपिटल्स पढ़ेंगे, यानी भारतीय सल्तनत एवं उनके जो फाउंडर्स हैं यानी खोजकर्ता और जो इनकी राजधानियाँ रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चलते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो स्टैटिक जीके की ये क्लास है, ये 10 बजे अपलोड कर दी जाती है, तो आप जो हमारे चैनल पर बने रहिए। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड नई अपडेट आती है या कोई नई वैकेंसी आती है, तो हमारे चैनल पर फुल डिटेल्स के साथ अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हर्यक वंश की बात कर लेते हैं, यानी हर्यंकस। इसके जो है फाउंडर और जो फेमस किंग रहे थे, यानी फाउंडर जो इसके रहे थे, वो रहे थे बिंबिसार। और आपको बता दें, इसकी जो कैपिटल रही थी वह राजगरा पहले थी, और उसके बाद में पाटलिपुत्र इसकी जो है कैपिटल बनी। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा और जो है इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगला हम देख लेते हैं, तो अगले हैं शिशुनाग। तो शिशुनाग जो थे, वो शिशुनाग वंश जो था, उसके जो फाउंडर थे वो शिशुनाग थे, और जो है इसकी राजधानी थी वह राजगीर थी। तो अब जो है इस पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, क्योंकि यह कई बार कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं नंदवंश के बारे में। तो आपका जो नंदवंश है, इसके जो फाउंडर रहे थे वह महापद्मानंदा रहे थे, और इसकी जो राजधानी रही थी वह पाटलिपुत्र रही थी। तो अब जो है यह इंपॉर्टेंट पॉइंट करिएगा कि नंदा वंश के संस्थापक कौन है। तो अब जो है महापद्मानंदा जो है इसे याद रखिएगा, तो जो है इन्हीं के नाम से नंदवंश की स्थापना हुई थी। तो पाटलिपुत्र और आप राजधानी रही थी, आप तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक रहे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे, तो आपको शायद ये पता भी होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे, तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही थी। और इस ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि जो है मौर्य वंश के संस्थापक कौन रहे थे। तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे, और उस समय इनकी राजधानी पाटलिपुत्र रही थी। तो ये जो है 321 से 185 BCE में रहे थे। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। आगे हम बात कर लेते हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश जो है आपका 185 से 75 BC तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो आपके पाटलिपुत्र, इसके बाद में विदिशा इसकी कैपिटल रही थी, यानी राजधानी इसकी विदिशा बनी थी। तो ये पॉइंट भी जो शुंग वंश है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगले। तो अगले हम कान्हवा वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे जो है वासुदेव कान्हवा जी ने जो है इनके संस्थापक रहे हैं, और यह 73 से 26 BC तक रहा है। और पाटलिपुत्र की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो है कैपिटल रही है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो गुप्ता जो था, तो गुप्ता जो साम्राज्य था, उनके संस्थापक रहे थे आपके श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त उस समय इनकी राजधानी रही थी पाटलिपुत्र। तो यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है गुप्त वंश के संस्थापक कौन रहे थे। तो श्रीगुप्त रहे थे, तो आप जो है, और इसकी उस समय की राजधानी जो रही थी वह पाटलिपुत्र रही थी। तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। इसके आगे हम बात कर लेते हैं पांड्यन वंश के बारे में। तो उस समय कून पांड्यन जो है साउथ पांड्या थे, तो इन्होंने इसकी, और काडुकोयन इन्होंने इसकी जो है स्थापना करी थी, यानी इसकी खोज करी थी पांड्यन वंश की, और जो है पांड्यन वंश की स्थापना करी थी। उस समय इनकी कैपिटल रही थी कोराकई, मदुरई और तेनकासी और तिरुनेलवेली। तो अब जो है इसे ध्यान में रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप जो है इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मार्क करिएगा, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला। तो अगला हम बात कर लेते हैं चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के जो संस्थापक रहे थे वह विजयालय चोला जो रहे थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और जो है पुहार एंड थंजावर इसकी रही थी कैपिटल। तो आप जो है इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चोल वंश के संस्थापक कौन रहे थे। तो विजयालय चोला इसके जो है संस्थापक रहे थे, और इसने उस समय इसकी राजधानी थी पुहार एंड थंजावर। और आपको अगला हम बात कर लेते हैं सातवाहन के बारे में। तो सातवाहन के संस्थापक रहे थे सिमका, तो आप जो है सातवाहन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि सातवाहन के संस्थापक कौन रहे थे, और सातवाहन की उस समय कैपिटल कौन थी। तो उस समय थी प्रतिस्थानमपुरम, अमरावती उस समय इसकी कैपिटल रही थी। तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला। अगला है आपका कुशन वंश। तो उस समय जो है कजुला
कडाफिस जो रहे थे इसके वो संस्थापक रहे थे, और इस समय बैग्राम, पेशावर और तक्षशिला और मथुरा आपकी जो है कैपिटल रही थी इनकी। तो यह क्वेश्चन या पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जैसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगले पॉइंट्स। तो अगले में हम पल्लव वंश की बात कर लेते हैं। तो पल्लव वंश जो है 272 से 885 तक रहे थे। इसमें जो है सिम्हा विष्णु जो थे वो आपके संस्थापक थे, और इस वहाँ की कंचपुरम जो थी कैपिटल रही थी उस टाइम की। तो पल्लव वंश से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं चालुक्य वंश के बारे में। तो पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है देक्कन चालुक्स जो रहे थे उन्होंने वो इसके संस्थापक रहे थे, और उस समय इसकी बदामी जो रही थी आपकी कैपिटल रही थी। तो यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन रहे थे। तो पुलकेशिन फर्स्ट जो रहे थे आपके चालुक्य वंश के संस्थापक रहे थे। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगला। तो अगला है राष्ट्रकूट वंश। तो आपका राष्ट्रकूट वंश जो रहा था इसके दांती दुर्गा आपके रहे थे संस्थापक, और इस समय मान्यखेता जो रही थी आपकी कैपिटल रही थी। तो राष्ट्रकूट भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में स्लेव डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। तो उस समय जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके संस्थापक रहे थे, और यहाँ इन्होंने दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद को एक के बाद एक जो है कैपिटल बनाई थी। तब जो है इस पॉइंट को भी जो है ध्यान में रखिएगा कि स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और आपके जो है दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद, इन्होंने एक के बाद एक जो है राजधानियाँ बनाई। आगे हम बात कर लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक रहे थे वो आपके रहे थे जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन ने जो अपनी कैपिटल रखी थी वह दिल्ली ही थी। तो आप जो है इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क करिए कि जलालुद्दीन ने जो है खिलजी वंश की स्थापना करी, और जो है वहाँ की कैपिटल जो रही थी वह दिल्ली रही थी। आगे हम बात कर लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश जो है गियासुद्दीन इसके संस्थापक रहे थे, और दिल्ली इनकी कैपिटल रही थी। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके आगे हम देख लेते हैं अगले वंश के बारे में। तो अगला वंश है आपका लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक रहे थे आपके बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी इन्होंने जो है दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाया था। तो आप जो है इस पॉइंट को भी जो है ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह कई एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है, या ज़्यादातर SSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन अभी जल्द ही रेलवे का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगले। तो अगले हैं हमारे तुगलक वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और लोधी वंश के भी बारे में बात कर चुके हैं। बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं, और दिल्ली इसकी कैपिटल है। और मुगल सल्तनत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो है संस्थापक रहे हैं बाबर, और दिल्ली इसकी कैपिटल रही है। तो आप जो है इसका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि मुगल से भी पूछा जाता है कि मुगल डायनेस्टी के संस्थापक कौन रहे थे। तो वो बाबर रहे थे, और आपको बता दें इनकी कैपिटल उस टाइम की दिल्ली रही थी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको बता दें हमारे चैनल पे जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और स्टेटिजी की क्लास डेली जो है 10 बजे अपलोड कर दी जाती है एक नए टॉपिक के साथ, तो आप जो हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपको बता दें जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, तो हमारे चैनल पर फुल डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।